हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे लुकमी या हैदराबादी लुकमी, जिसको हम कीमे के समोसे भी कहते हैं। और ये लेयर्ड समोसा होता है और बहुत यमी बनकर तैयार होता है। तो चलिए जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स मटन का कीमा लिया है। आप इसको चिकन मिन्स में भी बना सकते हैं। इसके अलावा 3 स्मॉल टू मीडियम ऑनियंस को मैंने यहाँ पर फाइन चॉप कर लिया है 1 टीस्पून भरकर। मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। 3 हरी मिर्चों को फाइन चॉप कर लिया है। हरा धनिया पुदीना मुट्ठी भर लिया था मैंने, अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लिया है। इसके बाद 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर यूज़ किया है। सॉल्ट एज पर एस टेस्ट यूज़ करेंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से लुकमी। तो सबसे पहले हमने आटा लगाकर तैयार कर लेना है। 2 कप मैदा लिया था मैंने। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे एज रिक्वायर्ड और 1 टेबलस्पून भरकर हमने यहाँ पर ऑयल ऐड कर देना है। पानी ऐड कर देंगे और इसका हमने एक मीडियम डो लगा लेना है, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम इसको मीडियम टू हार्ड ही रखेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरह से मल लिया है और अब हमने इसमें जस्ट ड्रॉप ऑफ ऑयल ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसको इस तरह से लगा लेंगे और इसको हम साइड में रखे रहने देंगे। तब तक हम कीमे की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल ऐड कर देंगे इसमें। जैसे ही ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को 1 मिनट के लिए हाई हीट पर भून लेंगे। जैसे ही प्याज हल्के सिक जाए तो हमने इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर देना है। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 1 मिनट भून लेने के बाद। अब हमने इसमें कीमा ऐड कर देना है। कीमे को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये जो सारे सूखे मसाले लिए थे मैंने, ये भी सारा हमने ऐड कर देना है इसमें। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कवर कर लेंगे और इसको हमने लो फ्लेम पर कुक कर लेना है जब तक कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है और कीमा अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता है। और इसको बीच में 1-2 बार खोलकर हम चला लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट हो चुके हैं कि मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया था। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है ये। अब हमने इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देना है खूब सारा। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से सुखा लेना है, बिकॉज़ ये स्टफिंग है और ये समोसे के अंदर जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लेंगे हाई हीट पर इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्टफिंग भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। इसमें पानी नहीं है, सब इवापोरेट हो गया है और ये रेडी है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से कूल कर लेना है। यहाँ देखिए आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। एक बार मल लेंगे इसको। ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था इसको। अब हमने एक क्लीन सरफेस पर वर्क कर लेना है। इसके ऊपर सरफेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है हमने और इसको अब हमने बेल लेना है। ये मैदा है तो थोड़ा सा खींचेगा, जितना हो सके उसको हम बड़ा बेल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है और अब हमने इस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना है। हर तरफ से अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। ऑयल को थोड़ा सा हमने फैला लेना है। इसके हमने लेयर्स प्रिपेयर करने हैं इसलिए ऑयल हम लगा रहे हैं। और अब हमने इस पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से डस्ट कर ले सूखे आटे से इसको। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरफ से 3 पार्ट्स में मैंने इसको फोल्ड किया है, जैसे हम पराठा बनाते हैं स्क्वायर, उस तरह से इस तरह से, और ये इस तरह से बंद कर देंगे हम। तो ये देखिए ये इस तरह से तैयार हो चुका है। सूखा आटा फिर से हमने लगा लेना है और फिर से इसको हम बेल लेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह से स्क्वायर बेल लिया है। फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी मैं इसके ऊपर, और ऑयल को हमने अच्छी तरह से फैला लेना है। थोड़ा सा खुश्का या ड्राई फ्लावर हम लगा लेंगे ताकि लेयर्स के बीच में अच्छी तरह से लेयर्स निकले और चिपके नहीं आपस में। फिर से उसको इसी तरह फोल्ड कर लेंगे थ्री पार्ट्स में, जिस तरह से पराठा हम फोल्ड करते हैं। ये देखिए ऐसे, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और यह देखिए मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, और अब हमने इस पर वर्क कर लेना है। तो थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डस्ट कर लेंगे हम हर तरफ से, और इसको अब हमने अगेन बेल लेना है। स्क्वायर ही बेलेंगे हम इसको, साइज चेंज करते हुए एक ही डायरेक्शन में इस तरह से स्क्वायर ही बेलना है हमने। तो यहाँ देखिए मैंने इसको स्क्वायर ही बेल लिया है, और अब हमने इसको थ्री पार्ट्स में वैसे ही कट कर लेना है। तो इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ, इस तरफ से मैं इसको चार हिस्सों में कट कर लूंगी। तो ये 1, 2, 3 और 4, तो ये यहां से मैंने कट किया इस तरफ से, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये देखिए इस तरह से जो है शीट्स ये तैयार हो चुकी हैं। अब हमने इस पे स्टफिंग कर लेनी है। तो फिलिंग जो मैंने बनाई है, फिलिंग मैं यहाँ पर रख दूंगी इस तरह से एक साइड में। इसी तरह से सारे हमने रखते जाना है। ये मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया। अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो थोड़ा सा पानी हम लगा देंगे किनारों पर ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए, और फिर इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। प्रेस कर लेंगे इसको। इसी तरह से सारे हमने प्रिपेयर कर लेने हैं। पहले थोड़ा सा पानी लगा देंगे इस तरह से, और इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। तो ये देखिए सारे समोसों को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है, और अब इसके जो साइड्स हैं उसको हमने इस तरह से प्रेस करते जाना है फोक से, ताकि ये स्टिक हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। तो इसको मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ अभी। तो ये देखिए एक समोसा जो है ये मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। इसी तरह से सारे हम रेडी कर लेंगे। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब आपका मन हो तब निकाल के आप इसको फ्राई कर लें। यहाँ देखिए ऑयल जो है ये मीडियम हॉट है, बहुत ज़्यादा हाई हीट पर हमको इसको नहीं फ्राई करना है, वरना ये अच्छी तरह से खस्ता नहीं होंगे। तो अब हमने इसमें ये जो हमने तैयार किए हुए समोसे हैं ये ऐड कर देना है 1 बाय 1, और फ्लेम को हम लो मीडियम ही रखेंगे, और लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने समोसों को अच्छी तरह से करारे कर लेंगे। ये देखिए ये समोसे सिककर ऊपर आ गए हैं हल्के, और अब हमने इनको टर्न कर लेना है। बहुत ही स्लोली हम करेंगे ये, बस ध्यान रहे कि कहीं से ये फटे नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से कलर आ गया है इसको। ऑलमोस्ट मैंने इसको अलट पलट कर 5 से 7 मिनट दोनों तरफ से लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से ये करारे हो गए हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन समोसे जो है लुकमी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हैदराबादी लुकमी या लेयर्ड समोसा, जो बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुआ है। इसको आप सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। ये मैंने कुछ बेक कर लिए थे। अगर आप ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्रीज पर। इसको 20 से 25 मिनट्स के लिए बेक कर लीजिए, या जब तक वो अच्छी तरह से गोल्डन और करारे नहीं हो जाते हैं, और फिर आप उसको रिलिश कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर। बाय।